नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल। ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय चैनल। आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है GDS के जितने भी प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एज का। हम वर्ष की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, एज की बातें करें, उम्र के दराज पे ये जो कितने साल होता है। अगर हम पोस्टल असिस्टेंट की बात करें, पोस्टमैन की बात करें, MTS की करें, तो मोटा आपको जानकारी है कि कितना साल होता है। लेकिन आपको जो है, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके 5 साल हुए कि नहीं, 3 साल कब हुए हैं पूरे, या फिर 5 साल कब टोटल पूरे हुए थे, आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, उसको लेके ज़्यादा सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो है। सबसे पहले हम आपको बता दें GDS से पोस्टल असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी हम आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है अभी सामने आने वाला है। बहुत सारे सर्कल का जो है अभी तक जो है नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल गया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा सर्कल का निकल गया है और कौन कौन सा सर्कल का निकलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, GDS 2 पोस्टल असिस्टेंट का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी निकली है दोस्तों। कई सालों की वैकेंसी निकली है, 2015 से 16, 2016 से 17, 2018 और 2017 से 18 और एक 2018। तो इन वर्षों की अभी तक जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इतने सालों से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं भरी गई थी। तो GDS आप जो है एलिजिबिलिटी उनका क्या रहेगा, आपका जो भर्ती का जो GDS में आप जब भर्ती हुए थे उस पर आप गौर कीजिए। यहाँ पर अपॉइंटेड डेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप 2015 से 16 में आप वैकेंसी भरने वाले हैं, उस वैकेंसी के लिए आप करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे जो भी है दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 में भर्ती हुआ था उनका जो है 5 साल कंप्लीट होगा 2015-16 में। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। और इसी तरह से ये सारी वैकेंसीज़ है आप देख सकते हैं, 2016-17 का जो है अगर आप भर्ती हुए थे 1 अप्रैल 2011 में, तो आपका ये आप इसके लिए एलिजिबल है। 2017-18 की वैकेंसी के लिए आप लड़ रहे हैं तो आपको 1-4-2012 में भर्ती होना ज़रूरी है। इसी तरह से ये हो गया पोस्टल असिस्टेंट का, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर दीजिए। अब हम जाते हैं पोस्टमैन में, ठीक है। पोस्टमैन की भी वैकेंसी आने वाली है, जल्द नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 साल कैसे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आ जाएंगी दोस्तों वो होगी 2018 और 2019 की। तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ तो 2013 में भर्ती होना है, या इससे पहले आपका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, तभी आपके 5 साल कम्प्लीट होंगे। और 2019 की वैकेंसी के लिए आपका जो है भर्ती 2014 का डेट होना चाहिए। अब बात करते हैं MTS, यानी 3 साल इसके लिए चाहिए होते हैं। तो MTS का जो वैकेंसी आएगा उसमें 2018 और 2019 के लिए आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो डेट होना चाहिए भर्ती का वो 2015 अप्रैल के पहले होना चाहिए, या फिर 1-4-2015 में होना चाहिए। वहीं 19 के लिए, यानी 2019 के लिए आपका जो ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1-1-2016, यानी इसके बाद अगर आपने किया तो आप MTS के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे अभी जो आएगा 2019 में। तो ये कुछ डेट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। जून जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और कई वैकेंसीज यहाँ पे छोड़ी जाएंगी पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS के लिए। एक सुनहरा मौका है, इसको आपका उपयोग करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करके यहाँ पे सीट के लिए लड़ना है और सीट को हासिल करना है। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।